सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते नजर आया तपस्या परिवार। जी हाँ, स्थापना दिवस पर पूरा हुआ संस्था के 7 वर्षों का समय। आपको बता दें कि समूचे मध्य प्रदेश में ख्याति बिखेरती कैमोर नगर की बहुचर्चित संस्था तपस्या कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त टीम जिन्होंने 7वां स्थापना दिवस सफाई कर्मियों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित कर भोजन प्रसाद परोसा एवं स्वयं उनके साथ बैठकर भोजन किया। इस अवसर पर संस्था के संचालक मनीष नवेद ने बताया कि जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं सफाई कर्मियों के साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मनीष नवेद ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की महत्ता पर जोर देते हुए सफाई कर्मियों के प्रति अपने सम्मान का इजहार किया। इस कार्यक्रम में अदानी एसईसी की सीएसआर प्रमुख एनिड एफ विश्वास, वरिष्ठ पत्रकार राजा दुबे ने भी तपस्या संस्था के 7 वर्षों के लिए किए गए अनुकरणीय कार्यों की सराहना की और क्या कुछ कहता है नजर आए, आइए आपको भी दिखाते हैं। कार्यक्रम में पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल चावला, कार्यकारी अध्यक्ष गुलशन चक्रवर्ती, कोषाध्यक्ष मोहम्मद जमील खान और तपस्या संस्था की संयुक्त टीम नजर आई। पीबीसी के लिए कैमोर से गुलशन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। बताए हैं कि टीम से बताया एनएफ मैडम को, बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो हम लोग को प्रोत्साहन दिया जी, और ये क्या बोलते हैं जो वगैरह खिलाया, इसके लिए हम लोग बहुत क्या बोलते हैं आभारी हैं। और उन्होंने जो हम लोग के लिए प्रोग्रेस के लिए जो बोला जी कि मतलब जीवन में सख्ता ही बहुत जरूरी है। कैसे यहाँ कैसे पहुँचे अम्मा? मनीष तो हमसे नहीं बनेगा, मनीष भैया बुलाए यहाँ। हाँ तो हमारे खाना पीना खाए जी, अच्छा स्वागत करें हमारा जी जी। ऐसे नहीं है किया, सालों से हम ड्यूटी कर रहे हैं जी जी, कभी हमें कोई ऐसे नहीं सम्मान से बुलाया। आज कैसा अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा जी। मनीष भैया कौन है, परिचय? हाँ, वो हमारी ड्यूटी काम देखते हैं जी जी जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? कैमोर से। ठीक ठीक, कहाँ ड्यूटी करते हैं? एसीसी अस्पताल। ठीक, आज ये तपस्या ग्रुप के द्वारा हम लोगों को सफाई कर्मचारी को स्वागत के लिए बुलवाया गया जी जी। अब ये 35 साल में हम लोग सफाई कर्मचारी, आज यहाँ पे पहली बार सफाई के हमारे लिए आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम लेके खड़े किया। हम लोगों के बीच में आज ना पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे स्वागत किया गया 35 साल में पहली बार। हमको भी खुशी हुई है कि जीवन में हमको कोई भी आज अपने बराबर में बैठाने का एक पहला मौका दिया गया जी जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में स्वच्छता मिशन चालू है जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल शुरू कर दी थी और हमारे प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने भी स्वच्छता की पहल कर चालू रखी है जी। और उसी कड़ी में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजय सतन पाठक जी ने हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता की लहर चालू रखी है। चूँकि आज हमारी तपस्या संस्था का स्थापना दिवस था और हर साल हम अपना स्थापना दिवस विभिन्न रूप से मनाते हैं, कभी ब्लड डोनेट कैंप लगा के या कभी वृक्षारोपण करके। और आज से कई समय पहले 2016 या 17 में जब हमारी तपस्या संस्था की नींव रखी गई थी, उसके दूसरे साल ही हमने 40 वर्षों में पहली बार नगर के समस्त कर्मचारियों को स्वागत, अभिनंदन और उनका सम्मान किया। इस वर्ष भी स्वच्छता को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने इस कार्यक्रम में हमारे स्वच्छता के सफाई कर्मचारी और हमारे पत्रकार साथीगण, हमारे समाज में समाजसेवी माताएं बहनें, शासन पुलिस प्रशासन, इन सबको एक ही मंच में इकट्ठा करके और हम सब ने यह तय किया कि हम प्रयास करेंगे कि जनता भी जागरूक रहे और सफाई कर्मचारी जो सेवा कर रहे हैं उनको भी मदद मिले। इसी उद्देश्य के साथ आज हमने सबके साथ एक छोटा सा रखा और साथ में बैठकर हम सब लोगों ने आज भोजन किया और आने वाले समय में हमको अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता पे कैसे ध्यान देना है उस पर चर्चा की। प्लीज थैंक यू। तपस्या संस्था के 7 साल पूरे हुए हैं, बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है कि आज इस अवसर पर हमने सफाई कर्मचारियों को भोजन खिलाया, अपने हाथों से उनको सम्मान दिया और उनको बहुत खुशी हुई इस बात से और हमें भी बहुत अच्छा लगा और बहुत एक गौरव का
सफाई कर्मचारियों को खिलाना और उनसे ही इतना प्यार पाना बहुत खुशी की बात है। प्लीज थैंक यू। ये प्रार्थना है, अंग्रेजी में तीन शब्द हैं जो मैं आज इस संस्थान को इस मौके पर देना चाहती हूँ, जो यहाँ बैठे बैठे मुझे फील हुआ। वन इज पेशेंस, सेकेंड इज परसीवरेंस, थर्ड इज पैशन, है ना। पेशेंस धैर्य, धैर्य आप बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जब हम एक संस्थान का संचालन करते हैं, जब हम समाज सेवा के काम पे उतरते हैं, मतलब ग्रासरूट लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे, तो सब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती है ना। तो हमारे को कई बार अच्छा करने के बावजूद भी, अच्छी सोच रखने के बावजूद भी हमको निंदा मिलती है। पर ये ध्यान रखें, जो जिंदा है उसी की निंदा है। हमेशा दें। दूसरी चीज़ परसीवरेंस, जो भी आप काम करें उसमें निरंतरता, उसमें दृढ़ता बनी रहे, है ना। और तीसरी चीज़ है पैशन, बहुत जील के साथ, बहुत लगन के साथ आप लोग काम करें। मैं अपने टीम में, चूंकि मैं खुद ही एक समाज से, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।